हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, ये थर्मोडायनेमिक्स की 250 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ये इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है। इससे पहले हम तीन वीडियो कवर कर चुके हैं। उस वीडियो में हमने 90 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देखें, आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, वर्क आउटपुट फ्रॉम ए सिस्टम इज द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए नॉन फ्लो प्रोसेस कैरिड आउट। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है, जो भी वर्क डन है वो इंटरनल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसा कब होता है? तो फर्स्ट लॉ में मैंने आपको बताया था, डेल क्यू इजिकल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, यानी कि जब भी हम वर्क डन दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है। और ऐसा कब होगा? जब डेल क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। और ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें डेल क्यू की वैल्यू ज़ीरो होती है, यानी कि हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो होता है? तो वो प्रोसेस होता है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक सिस्टम के अंदर जो हमारा हीट ट्रांसफ़र है वो ज़ीरो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन आइडियल गैस इज मेड टू गो फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी इन द फॉलोइंग टू डिफरेंट वेज। तो यहाँ पर आपको दो प्रोसेस दिए गए हैं। पहला है आइसोबारिक एंड देन आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी कि पहला आइसोबारिक यानी कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोकोरिक यानी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो आपको दोनों पहले ये तो पता होना चाहिए कि आइसोबारिक जो है वो हमारा कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस का दूसरा नाम है। तो यहाँ पे आप याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो, आइसोबारिक के अंदर बीच में बार आ रहा है और जो प्रेशर की यूनिट होती है वो बार होती है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। सेकंड दिया गया है आइसोकोरिक, यानी कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है उसको हम आइसोकोरिक कहते हैं। तो पहले में तो ये दिया गया है और सेकंड जो है उसमें पहले आइसोकोरिक हो रहा है फिर आइसोबारिक हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि वर्क डन किस में ज़्यादा होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली कर पाएंगे। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि जो पीवी डायग्राम होता है इसका जो एरिया होता है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे, पहले हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम के लिए। तो यदि हमारा क्लोज सिस्टम होगा तो हम जो एरिया लेंगे वो हम लेंगे एक्स एक्सिस पे, यानी कि ये हमारा एरिया लेंगे। तो ये एरिया जो कितना है, इसका इतना है और ये सेकेंड वाला है इसके लिए इतना ही है। तो एरिया किसका ज़्यादा है? फर्स्ट वाले का ज़्यादा है, तो वर्क डन फर्स्ट का ज़्यादा होगा, यानी कि डब्ल्यू वन इज़ ग्रेटर देन डब्ल्यू टू। ये तो हो गई क्लोज सिस्टम की। यदि हम ओपन सिस्टम के लिए बात करें तो हम क्या करते हैं, वर्क डन जो है उसका एरिया जो होता है हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, तो ये हो जाएगा और यहाँ पे भी ये हो जाएगा। तो यानी कि दोनों कंडीशन में भी फर्स्ट जो है इसमें वर्क डन ज़्यादा आ रहा है, यानी एरिया ज़्यादा आ रहा है तो वर्क डन ज़्यादा होगा। तो हमारा आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको याद होना चाहिए, आप इस चीज़ को याद कर लीजिए कि जो भी पीवी डायग्राम का जो एरिया होता है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है और टीएस डायग्राम का जो एरिया होता है वो हीट ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में पूछा गया है, टेम्परेचर ऑफ गैस इज वेरीड बट द प्रेशर इज कैप्ट कॉन्स्टेंट, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, गैस इज कंप्रेस्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड देर इज नो चेंज इन एंट्रोपी, एक्सपांशन एंड कंप्रेशन ऑफ गैस अकर विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसमें जो हीट ट्रांसफर होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ पे देखिए, एक्सपांशन एंड कंप्रेशन ऑफ गैस अकर विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग। फ्रेंड्स, आपने जो ऑटो साइकिल डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम आपने देखा ही होगा, ये हमारा पीवी डायग्राम होता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये जो है हमारा एक, यहाँ से देखिए ये जो है कंप्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ये एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है, यानी कि यहाँ पे हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए, ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, यहाँ हीट एडिशन होता है और यहाँ पे हीट रिजेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सपांशन और कंप्रेशन में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता है, तो यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं। तो मैंने आपको आईसी इंजन से भी को रिलेट करके समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड एज पी वी की पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि पी वी की पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट ये रिलेशन किसके लिए होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। और यदि हम गामा की जगह एन लिख देते हैं, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, तो ये होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। आगे लिखा गया है, द एक्सपोनेंट गामा रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, गामा जो होता है वो सी पी अपॉन सी वी होता है। सी पी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और सी वी है कॉन्स्टेंट जो है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट है वो है हमारी सी वी। इन दोनों का रेशियो जो होता है वो एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है, फॉर एयर वैल्यू इज इक्वल टू, यानी कि जो गामा की वैल्यू है एयर के लिए कितनी होती है, तो ये आपको याद होनी चाहिए, ये होती है 1.4। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, कई बार जो अपन न्यूमेरिकल करते हैं तो वहाँ पे
गामा की वैल्यू नहीं दी जाती है, तो अपन को मान के चलना पड़ता है कि एयर ही है जो हमारा फ्यूल है, तो उसकी 1.4 वैल्यू होती है। अब यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मैं दे देता हूँ। गामा की वैल्यू आपको पता चल गई 1.4 होती है। एक सीपी की भी वैल्यू कभी कभी एयर के लिए पूछ लेते हैं, ये कितनी होती है, 1.005, और इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ये तो हो गई सीपी की, और सीवी की वैल्यू होती है 0.718 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। अब फ्रेंड्स यदि आप इन दोनों को डिवाइड करोगे सीपी अपॉन सीवी, तो ये आपका 1.4 के लगभग आएगा, जो कि एयर के लिए होता है। ये दोनों जो वैल्यू बताई है मैंने एयर के लिए बताई है। एक रिलेशन होता है आर, जो होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टेंट, उनमें रिलेशन होता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एयर के लिए 0.287। इतना आपको पता होना चाहिए। ये जो हमारा आर है ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट है। एक होता है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट होता है ना वो होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू आर बार अपॉन मोलिकुलर वेट। ये रिलेशन होता है। यहाँ पे ये जो आर बार है ये यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो होती है 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन होता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे मोलिकुलर वेट आ रहा है ना, इसलिए किलो मोल पर केल्विन आएगा। तो ये वैल्यू जो है 8.314, ये भी आपको याद होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, क्योंकि ये यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, और ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। द गैस विथ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक इंडेक्स इज, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि गैस जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है मोनो एटोमिक, दूसरी होती है डाई एटोमिक। दो टाइप की गैसेस होती हैं, आपको याद रखना है। मोनो एटोमिक यानी कि जैसे हीलियम हुई, जितनी भी नोबल गैसेस हैं, नियोन है, आर्गन है, ये जो होती है मोनो एटोमिक है, यानी कि ये जो एटम है एक ही है। लेकिन डाई एटोमिक के अंदर दो होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, दो मॉलिक्यूल है, और नाइट्रोजन हो गई आपके, क्लोरीन हो गई, ये हाइड्रोजन हो गई, ये जो है सारी की सारी क्या है, डाई एटोमिक। यानी यहाँ पे जो दो मॉलिक्यूल हमेशा साथ में रहेंगे, लेकिन मोनो एटोमिक के अंदर एक ही एटम साथ में रहता है। तो यहाँ पे जो गामा की वैल्यू होती है ये होती है मोनो एटोमिक के लिए 1.61, और डाई एटोमिक के लिए होती है गामा की वैल्यू 1.4। ये किसके लिए है, डाई एटोमिक के लिए, और ये है मोनो एटोमिक के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू किसके लिए हो जाएगी, मोनो एटोमिक के लिए। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन जो है ये क्या हो जाएगी, ये डाई एटोमिक, और हीलियम हमारी मोनो एटोमिक हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको सिर्फ आंसर नहीं बताया है, मैंने आपको कंसेप्ट बताया, ताकि यहाँ पे हीलियम की जगह कोई और भी गैस लिखी हुई हो तो आपको आंसर पता चल जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाता हूँ, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, यानी कि जितने भी फ्रेंड्स आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर जरूर करें, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिलेटेड टू, तो यहाँ पे आपको एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर और प्रेशर में रिलेशन बताना है। तो मैं आपको टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों का बता देता हूँ, किसके लिए, एडियाबेटिक के लिए। आपको याद रखना है T2 by T1 इज इक्वल टू P2 by P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू V1 by V2 की पावर गामा माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए T2 by T1 है, यहाँ पे T2 ऊपर है तो P2 भी ऊपर है, लेकिन V1 यहाँ पे ऊपर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्टूडेंट याद तो कर लेते हैं लेकिन फिर वहाँ एग्जाम में जाके कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर P2 था या V2 था। तो यहाँ पे देखिए T2 by T1 इज इक्वल टू P2 by P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। यदि यहाँ आपको इन दोनों में रिलेशन पूछ ले P2 by P1 इज इक्वल टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा, तो V1 by V2, तो यहाँ पे देखिए गामा 1 माइनस 1 और गामा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, या तो n अपॉन गामा इधर रह जाएगा या फिर इसको इधर लेके जाएंगे तो ऊपर गामा हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर गामा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, T2 by T1 इज इक्वल टू P2 by P1 की पावर गामा माइनस 1 ऑफ गामा। ये जो रिलेशन होता है ये आता कैसे है, पी वी की पावर बराबर गामा बराबर कॉन्स्टेंट, इसको आप इसका डेरिवेशन करोगे तो ये रिलेशन आता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द एडियाबेटिक एक्सपांशन प्रोसेस द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज एसोसिएटेड विथ, तो यदि एडियाबेटिक एक्सपांशन प्रोसेस में वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो क्या चेंज होगा। पहला दिया गया है डिक्रीज इन बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो ये हमारा आंसर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे हमारा पीवी डायग्राम में, आपको एक बार वापस बता देता हूँ, ये हमारा मान लो डीजल साइकिल का है, एक मिनट वापस बता, डीजल साइकिल या ऑटो साइकिल कोई भी
देख लेते हैं, ये जो हमारा एडियाबेटिक है यहाँ से एक्सपांसन हो रहा है, ये 1, 2, 3 और 4, ये 3 से 4 जो एक्सपांसन हो रहा है, तो यहाँ आपने देखा होगा ये जो प्रेशर है यहाँ पे इतना था और यहाँ 4 पे जो है ये डिक्रीज़ हो गया, तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है और एक्सपांसन होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी या फिर रेट ऑफ हीट एक्सचेंज। तो फ्रेंड्स आपको पता है एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होता है वो जीरो होता है, वो एक रिलेशन होता है डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन टी, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। डेल्टा एस यहाँ पे क्या है, ये है एंट्रोपी, तो इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन टी। अब डी क्यू एडियाबेटिक प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी, यानी कि एंट्रोपी चेंज जो होता है वो जीरो होता है, तो यहाँ पे आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपको हर एक क्वेश्चन जो है अच्छे से समझा रहा हूँ, सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूँ। एक्सपांसन ऑफ हॉट गैसेस इन आईसी इंजन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू एन आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबारिक या फिर आइसोकोरिक। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अभी जो डायग्राम बताया था वापस बता देता हूँ, ऑटो डीजल ये जो एक्सपांसन प्रोसेस है ये कैसा होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, और तो यहाँ पे आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अप्रोक्सीमेट दी स्टीमिंग ऑफ फूड इन ए प्रेशर कुकर। तो फ्रेंड्स प्रेशर कुकर जो होता है उसके अंदर हम हीट देते हैं, हीट देते हैं, ठीक है, हीट देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे हमारी कॉन्स्टेंट क्या है वो पूछा गया आपको। तो हमारा वॉल्यूम जो है क्योंकि जो हमारा प्रेशर कुकर होता है उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता, तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक, तो ये हमारे आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस रिप्रेजेंट द चेंज इन स्टेट सच एज फ्रीजिंग, मेल्टिंग, इवोपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कौन सा प्रोसेस ये सब एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ोगे, रिप्रेजेंट द चेंज इन स्टेट, तो ये वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चेंज इन स्टेट, तो स्टेट कब चेंज होगी यानी कि फेज कब चेंज होगी, तो फेज चेंज होती है जैसे मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारी जो आइस है ये कन्वर्ट हो जाए 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या है, पहले भी 0 डिग्री था अब भी 0 डिग्री है, तो फेज चेंज हो रहा है, तो फेज चेंज हो रहा है वो भी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, तो यहाँ हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए गैस एट प्रेशर पी इन द वेसल इज कंप्रेस सडनली टू द हाफ द वॉल्यूम देन प्रेशर ऑफ द गैस आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बिकम। तो यहाँ पे लिखा गया है लॉन्ग टाइम पे, तो यदि टाइम अपन लॉन्ग लेंगे तो टेम्परेचर हमारा कॉन्स्टेंट रह जाएगा, तो पी वी बराबर क्या होता है, MRT होता है, MR तो वैसे भी कॉन्स्टेंट है और टेम्परेचर यदि कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो PV का जो मल्टीपल है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम है वो हाफ हो रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो पी और वी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कॉन्स्टेंट रह जाएगा, तो हमारा प्रेशर कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा इसमें कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग ए जनरल पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन प्रोसेस कैरेक्टराइज बाई PV की पावर n बराबर कॉन्स्टेंट द वर्क डन इज इक्वल टू। तो फ्रेंड्स पॉलीट्रॉपिक और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए सिर्फ नोटेशन चेंज होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है उसमें हीट ट्रांसफर होता है और एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर जीरो होता है, जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो मैं पॉलीट्रॉपिक और एडियाबेटिक दोनों के लिए आपको बता देता हूँ, P1V1 - P2V2 अपॉन, यदि एडियाबेटिक होगा तो यहाँ पे गामा माइनस वन हो जाएगा और यदि हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा तो यहाँ पे n माइनस वन हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसका डेरिवेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस P1V1 - P2V2 / N-1 2 से 3 बार आप बोलोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, और जब भी आपको पॉलीट्रॉपिक की जगह एडियाबेटिक पूछे तो यहाँ एन की जगह गामा करना है और ज़्यादा चेंज नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड ड्यूरिंग द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट ट्रांसफर जीरो होता है और पॉलीट्रॉपिक में हीट ट्रांसफर कितना होता है उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन इंटू जो वर्क डन देखा था आपने क्या था, P1V1 - P2V2 / N-1, ये होता है
हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड ड्यूरिंग द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो यहाँ पे वर्क डन लिखा हुआ है तो हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ऊपर भी गामा है और नीचे भी पहले गामा आ रहा है, तो गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस द एक्सपांसन, जो अभी मैंने बताया था, गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन इंटू पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एन माइनस वन इज इक्वल टू। तो ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हीट ट्रांसफर को, यानी कि हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड। तो यहाँ पे आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को घुमा के किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ये देखिए, इंजीनियरिंग सर्विस 2005 का क्वेश्चन है। आई शो थर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस आर आइडेंटिकल इट। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आई शो थर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस इक्वल कब होंगे। तो ये कंडीशन तब होगी जब हमारा टेम्परेचर जो है वो जीरो केल्विन हो जाएगा, और जीरो केल्विन को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और ये कितना डिग्री सेल्सियस कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर ऐसा है जहाँ पे सारी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सभी जीरो हो जाएगी, और जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट है वो भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ए क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग एक्सपांसन प्रोसेस द वर्क आउटपुट। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो क्लोज सिस्टम के अंदर वर्क डन होता है, अभी मैंने आपको बताया था वर्क डन कितना होता है, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन एन माइनस वन, ये वर्क डन होता है। तो ये आपको पूछा गया है कि एन के इंक्रीज होने से बढ़ेगा या घटेगा। तो यदि हम एन की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, इंक्रीज विद इंक्रीज एन, इंक्रीज विद डिक्रीज एन, और मैक्सिमम वेन एन बराबर जीरो। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, इज मैक्सिमम वेन एन बराबर जीरो। एन की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो वर्क डन मैक्सिमम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट एन इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी इन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पी वी की पावर एन बराबर कॉन्स्टेंट इज इंडिकेटिव ऑफ। तो मैं आपको यहाँ पे सभी का बता देता हूँ कि एन की वैल्यू पे कैसे डिपेंड करता है। तो ये हमारा जो है पी वी डाइग्राम है, देखिए पी वी की पावर एन बराबर कॉन्स्टेंट है। यदि एन की वैल्यू जीरो होती है, एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वी वन हो जाएगा, यानी कि प्रेशर जो है हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा एन बराबर ज़ीरो, क्योंकि वी जो है वन हो जाएगा और पी बराबर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो पी बराबर कॉन्स्टेंट ऐसे बनेगा। सेकंड देखते हैं, जब एन की वैल्यू वन होती है, तो एन की वैल्यू वन होगी तो पी वी बराबर कॉन्स्टेंट, और पी वी बराबर कॉन्स्टेंट कब होगा, तो पी वी इज इक्वल टू एम आर टी होता है। और यदि टी हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो पी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो सेकंड देखते हैं, जब एन की वैल्यू वन होती है तो हमारा आइसो थर्मल प्रोसेस बनता है, क्या बनता है, आइसो थर्मल प्रोसेस बनता है। फिर हम एन की वैल्यू एन के बराबर रखते हैं, यानी कि कुछ भी वैल्यू रखते हैं, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है हमारा एन, तो थोड़ी इंक्रीज करेंगे तो ये हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो जाएगा, और उससे ज़्यादा और इंक्रीज करेंगे तो एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा, एन बराबर गामा हो जाएगा जो कि वैल्यू 1.4 होती है। तो जैसे जैसे अपन इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो वर्क डन है वो रिड्यूस हो रहा है, और ये प्रोसेस ऐसे जा रहा है। और जब हमारी एन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो ये लाइन जो है यहाँ पर डायरेक्टली सीधी नीचे आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है, और ये कौन सा प्रोसेस है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, आइसोकोरिक। और आइसोकोरिक में हमारा प्रोसेस क्या होता है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आपको सारे प्रोसेस समझ में आए होंगे कि कब क्या होता है। विच पैरामीटर कैन बी कंसिडर टू रिटेन कॉन्स्टेंट रिमेन कॉन्स्टेंट इफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट एन इन द पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन पी वी की पावर एन बराबर कॉन्स्टेंट टेकन ए यूनिट वैल्यू। तो अभी मैंने आपको बताया था, जब n की वैल्यू अपन 1 रखेंगे तो पी वी बराबर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और पी वी बराबर कॉन्स्टेंट कब हो जाएगा, जब t की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगी, क्योंकि एम आर टी होता है, एम आर तो वैसे भी कॉन्स्टेंट है, t जब कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो पी वी बराबर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसो थर्मल प्रोसेस बोलते हैं, आइसो थर्मल। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे तो आइसो थर्मल आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था, पिछले वीडियोज़ में बताया था, जब हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, या डेल्टा यू, इसको इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम सी डेल्टा टी होता है ये कॉन्स्टेंट। यदि यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और डेल्टा यू की वैल्यू जीरो है तो आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यू बराबर क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा। यानी कि यदि हमारा प्रोसेस आइसोथर्मल है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी।
तो हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सिस्टम एट ए गिवन स्टेट अंडरगो चेंज थ्रू द फॉलोइंग एक्सपांशन प्रोसेस टू रीच द सेम फाइनल वॉल्यूम। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबेटिक, पॉलीट्रॉपिक। द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वर्क आउटपुट इन द फोर प्रोसेस इज। यदि फ्रेंड्स आपने वीडियो अच्छे से सुना है तो आप इसका आंसर ईजी दे सकते हैं। तो आप इसको पॉज करके आंसर पहले दे सकते हैं, और यदि नहीं समझ में आया तो आप ध्यान से देखिए। मैंने आपको पीवी डायग्राम बताया था अभी। पीवी डायग्राम में ये किसके लिए बताया था? आइसोबारिक के लिए, यानी प्रेशर कॉन्स्टेंट, ठीक है। फिर मैंने बताया था जब एन की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये हमारा आइसोथर्मल हो जाएगा, और फिर और बढ़ेंगे तो ऐसे है, मतलब नीचे जाते हैं तो अपन एन की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे देखिए, पॉलीट्रॉपिक के लिए 1.2 है, और फिर है एडियाबेटिक के लिए 1.4 है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है वर्क आउटपुट इन फोर प्रोसेस असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में बदलना है। पीवी डायग्राम का जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा प्रोसेस है इसमें मिनिमम एरिया किसका है? तो मिनिमम एरिया है हमारा गामा जो है 1.4 है, तो ये एरिया इतना सा ही होगा। लेकिन हम प्रेशर के लिए देखेंगे तो ये पूरा एरिया इसके नीचे आ रहा है, यानी कि ये प्रोसेस आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा वर्क डन किस में होगा? वो होगा हमारा आइसोबारिक प्रोसेस में। तो यानी कि जो सेकंड है आइसोबारिक, वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और उससे कम सबसे कम किस में होगा? जिसकी वैल्यू गामा की सबसे ज़्यादा है। तो थर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद में फोर्थ, उसके बाद में 1, 2। तो 3, 4, 1, 2 जो कि ऑप्शन किसी में नहीं दिया गया है, तो हमारा आंसर जो है कोई सा भी करेक्ट नहीं होगा। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है कि आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपको समझना है। दिया गया है मैच लिस्ट फर्स्ट, प्रोसेस इंडेक्स एन, एंड सेकंड में दिया गया है टीएस स्ट्रेसेस। तो यहाँ पे आपको देखो ये डायग्राम दिया गया है, इनको मैच करना है। पहले यहाँ पे इंडेक्स जो है एन की वैल्यू 0 होगी, तो पी वी की पावर एन बराबर कॉन्स्टेंट होता है। एन की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो पहला तो ये बन जाएगा। सेकंड, जब एन की वैल्यू 1 हो जाएगी तो पी वी बराबर कॉन्स्टेंट, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाएगा, यानी कि टी बराबर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो जो बी है यहाँ पे टी बराबर कॉन्स्टेंट। अब ये देखिए टी एस डायग्राम दिया गया है, तो टी कॉन्स्टेंट कहाँ पे? ये फोर्थ नंबर जो है ये यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो बी जो है ये फोर्थ के साथ मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका सी या डी में से होगा, ये तो कंफर्म हो गया। थर्ड देखिए, 1.4 यानी कि जब वैल्यू एन की वैल्यू गामा होगी, यानी गामा के इक्वल होगी 1.4, तो होगा एडियाबेटिक। और फोर्थ दिया गया है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी कब होती है? जब वी बराबर कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, जब 1.4 है एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? डेल्टा एस इज इक्वल टू, मैंने बताया था आपको, डी क्यू अपॉन टी होता है। तो यदि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर 0 होता है तो डी क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारी जो एंट्रोपी है वो डेल्टा एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इंटीग्रेशन करेंगे तो एस बराबर क्या आ जाएगा? कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। तो एस यहाँ पे कॉन्स्टेंट कहाँ पे? ये जो प्रोसेस दिया गया है फर्स्ट नंबर, यहाँ पे एस बराबर क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो जो सी है वो फर्स्ट के साथ में मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए ये मैच हो रहा है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ कन्फ्यूज़न कहाँ पे होगा? सेकंड और थर्ड में। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारा सीपी की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है हमेशा सीवी से, और जो स्लोप होती है वो सीवी की ज़्यादा होती है किससे? सीपी से, स्लोप। तो यहाँ पे आप स्लोप देखोगे तो ये सेकंड नंबर है, इसकी स्लोप ज़्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ स्लोप का मतलब होता है ढलान। तो यहाँ पे देखिए ढलान किसकी सबसे ज़्यादा दिख रही है? सेकंड की दिख रही है। तो जो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है उसकी स्लोप सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारा आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। डी यानी कि जो फर्स्ट दिया गया है, जब वैल्यू एन की वैल्यू 0 होगी तो पी बराबर कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट प्रेशर कौन सा है? सेकंड नंबर हो जाएगा। और जो इन्फिनिटी है वो थर्ड के साथ मैच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर ए परफेक्टली इंसुलेटेड कंटेनर विच हैज़ टू कंपार्टमेंट सेपरेटेड बाई ए पार्टीजन। वन कंपार्टमेंट कंटेंस परफेक्ट गैस एंड अदर कंपार्टमेंट इन स्टेट ऑफ परफेक्ट वैक्यूम। अपॉन रिमूवल ऑफ पार्टीजन द गैस एक्सपांड एंड फिल द होल स्पेस, सच एक्सपांशन प्रोसेस इज रेफर टू एज। तो यहाँ पे आपको एक कंटेनर दिया गया है, इसके अंदर एक बीच में इसको पार्टीजन किया हुआ है। एक तरफ तो क्या है, एक तो परफेक्ट गैस है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ क्या है? वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है?
खाली जगह, यानी वहाँ पे एयर भी नहीं है। तो जैसे ही इस पार्टीशन को अपन हटाएंगे तो ये जो हमारी गैस है वो सारे जो एरिया में मिक्स हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये कौन सा होगा? एडियाबेटिक एक्सपांसन, आइसोथर्मल एक्सपांसन, थ्रोटलिंग, या फिर फ्री और अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपांसन। यदि हमारा वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब है खाली, और खाली जगह पे एक्सपांड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री एक्सपांशन या फिर अनरेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि यहाँ पे एयर भी नहीं है तो रेस्ट्रिक्शन किसी चीज़ का होगा नहीं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्री एक्सपांशन या अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपांशन। तो यहाँ पे आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो इसका आंसर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। विच एस्पेक्ट डज नॉट पर्टेन टू ए फ्री एक्सपांशन प्रोसेस? तो फ्री एक्सपांशन प्रोसेस में क्या होता है ये आपको बताना है। नो गेन और लॉसेस ऑफ हीट। तो फ्री एक्सपांशन प्रोसेस होता है वहाँ पे देखिए डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। तो जो हमारा फ्री एक्सपांशन प्रोसेस होता है वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो होता है और वर्क ट्रांसफ़र भी ज़ीरो होता है, तो डी यू अपने आप क्या हो जाएगा? ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है हीट ट्रांसफ़र, वर्क ट्रांसफ़र और इंटरनल एनर्जी जो है वो भी चेंज ज़ीरो होता है। तो नो गेन और लॉस ऑफ हीट ये तो सही हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा, और नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। यदि डी यू की वैल्यू ज़ीरो है यानी कि जो हमारा टेम्परेचर है वो चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है फ्री एक्सपांशन प्रोसेस में प्रेशर हमेशा डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक्सपांशन प्रोसेस हो रहा है, तो एक्सपांशन होता है तो प्रेशर डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। वेन ए गैस और ए वेपर इज अलाउड टू एस्केप थ्रू ए माइन्यूट अपर्चर, लीकेज ऑफ स्टीम थ्रू सेफ्टी वाल्व ऑफ द प्रेशर कुकर, द लीकेज प्रोसेस इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स जितने भी ओरिफिस से प्रोसेस होते हैं यानी कि फ्लो थ्रू रेस्ट्रिक्टेड पासेस इज नोन एज थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है? छोटे छोटे ओरिफिस से जो भी कोई लीकेज होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रोटलिंग। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है ये आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस होता है, यानी कि हम यहाँ पे एंथैल्पी जो है हमारी वो कॉन्स्टेंट रहती है और प्रेशर हमेशा डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपांसन हो रहा है इसलिए प्रेशर डिक्रीज होगा और एंथैल्पी हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी। तो आपको थ्रोटलिंग जब भी वर्ड याद आए तो आपको याद रखना है आइसो एंथैल्पिक, यानी कि एंथैल्पी कॉन्स्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयर इज बींग फोर्स्ड बाई ए बाईसाइकिल पंप इन टू ए टायर अगेंस्ट ए प्रेशर ऑफ 4.5 bar। ए स्लो डाउन मूवमेंट ऑफ पिस्टन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड इज। तो जब भी आपको स्लो डाउन यानी कि यदि प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, वो प्रोसेस होते हैं आइसोथर्मल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ए क्लोज सिस्टम द थर्मल एनर्जी ट्रांसफर टू द गैस इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू इंटरनल एनर्जी, यानी कि जो हमारी जितनी भी हम एनर्जी दे रहे हैं वो सारी की सारी किस्में कन्वर्ट हो रही हैं? इंटरनल एनर्जी, रिजल्टिंग द इंक्रीज इन द गैस टेम्परेचर। तो वो कौन सा प्रोसेस होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लॉ लग जाएगा, डेल क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाए? डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, यानी कि जितनी भी हम हीट दे रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही है? इंटरनल एनर्जी के चेंज में, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे वर्क डन जीरो है, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? पी डी वी, यानी कि वर्क डन जीरो कब होगा? जब वी की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी। तो ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा? आइसोकोरिक। तो यहाँ पे आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर रिमेंस कॉन्स्टेंट इन ए थ्रोटलिंग प्रोसेस? तो अभी मैंने आपको बताया था थ्रोटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी कॉन्स्टेंट रहती है, तो यहाँ पे आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आपको वर्ड थ्रोटलिंग दिखे आइसो एंथैल्पी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर आइडेंटिकल रिगार्डिंग द वर्क आउटपुट एक्सेप्ट द प्रोसेस आइडेंटिफाई दैट प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको तीन प्रोसेस सेम है वर्क डन से रिलेटेड, एक चेंज है वो आपको बताना है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, पहले आप सोच के आंसर दीजिए, उसके बाद में आप इसका सॉल्यूशन देखना। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। पहला दिया गया है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक यानी कि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। जब हमारा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है तो वर्क डन क्या होता है? ज़ीरो होता है। थर्ड दिया गया है फ्री एक्सपांसन, और फ्री एक्सपांशन में हीट ट्रांसफ़र, वर्क ट्रांसफ़र और इंटरनल चेंज जो होता है वो सारी चीज़ें जीरो होती हैं, यानी कि वहाँ पे यहाँ पे भी वर्क डन जीरो हो रहा है। थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे एंथैल्पी कॉन्स्टेंट रहती है लेकिन यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है कहाँ से? रेस्ट्रिक्टेड पासेस से। तो यहाँ पे भी वर्क डन जो है आपको याद रखना है ज़ीरो होता है, यहाँ पे सिर्फ प्रेशर डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर यहाँ पे वर्क डन जो है वो ज़ीरो नहीं होता है, कुछ वर्क
प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तीनों में जीरो होता है वर्क डन, इसमें जीरो नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फ्री एक्सपांशन प्रोसेस, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि फ्री एक्सपांशन प्रोसेस में क्या होता है क्या नहीं होता है। पहला दिया गया है इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो फ्री एक्सपांशन प्रोसेस है, मैंने आपको सबसे पहला वीडियो बताया था उसमें मैंने आपको बताया था जो फ्री एक्सपांशन प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। सेकंड दिया गया है नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, लेकिन फ्री एक्सपांशन जो है ये फास्ट प्रोसेस होता है, तो ये नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, यहाँ पे ये बात भी सही हो जाएगी। देर इज़ ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द सिस्टम, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया था डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो, डेल यू इज इक्वल टू जीरो और डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि फ्री एक्सपांशन प्रोसेस में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता, तो सी आंसर जो है ये गलत हो जाएगा। फोर्थ दिया गया है प्रेशर एंड वॉल्यूम आर नॉट रिलेटेड थ्रू द इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं है। फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम वर्क इन द एक्ट ऑफ गैस एक्सपांडिंग इन ए क्लोज सिस्टम द एक्सपांशन प्रोसेस मस्ट बी टेकन इट, तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्क डन जो है वो मैक्सिमम कब होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये जो हमारा कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है तो यहाँ पे वर्क डन सबसे ज़्यादा होता है, फिर भी डायग्राम के अंदर जो एरिया मैक्सिमम आता है वही मैक्सिमम वर्क डन होता है, तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे आंसर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 30 क्वेश्चन। अब मैं आपको पहले तो बताऊंगा प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर बताऊंगा। फ्रेंड्स मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था फॉर ए थर्मोडायनेमिक साइकिल टू बी इरिवर्सिबल इट इज़ ए नेसेसरी दैट, तो काफ़ी स्टूडेंट ने आंसर दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी डेल क्यू अपॉन टी इज लेस देन जीरो। तो एक होती है क्लोसियस इनइक्वालिटी, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ क्लोसियस इनइक्वालिटी क्या कहता है, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू अपॉन टी इज लेस देन इक्वल टू जीरो, तो लेस देन कब होगा ये होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और इक्वल टू जीरो होगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और ग्रेटर देन जीरो जो है वो है इम्पॉसिबल। तो ये होती है क्लोसियस इनइक्वालिटी। जो आज का क्वेश्चन है जो जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना है, दिया गया है इफ़ पी डी वी एंड माइनस वी डी पी फॉर ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम ऑफ आइडियल गैस ऑन इक्वेशन ऑन इवेल्यूशन गिवन द सेम क्वांटिटी ड्यूरिंग द प्रोसेस देन द प्रोसेस अंडर गिवन द सिस्टम, यानी कि जो पी डी वी और माइनस वी डी पी है दोनों में वर्क डन जो है वो सेम आएगा, तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें दोनों में सेम आता है, आइसेंथैल्पिक आइसेंट्रोपिक आइसोबारिक या आइसोथर्मल। देखिए ये क्वेश्चन IAS प्री में आया हुआ है, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर दें कमेंट में। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। और फ्रेंड्स मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे है कि जितने भी हम टेक्निकल वीडियो बनाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, यदि मैं एक GK का वीडियो बनाऊँ तो मेरे को 4 वीडियो बनाने में GK के जितना टाइम लगता है उतना एक वीडियो टेक्निकल का बनाने में टाइम लगता है, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सबको शेयर करें, व्हाट्सअप पे फेसबुक पे जितने भी आपके पास सोशल मीडिया है सब पे शेयर जरूर करें, आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है। आपने देखा होगा एक चीज़ कि जितने भी टेक्निकल के जो चैनल हैं वो थोड़े दिन पढ़ाते हैं उसके बाद में आपको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन ले लो, यानी कि पैसे में आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है इसलिए फ्री में कोई भी नॉलेज आपको नहीं देता है। तो फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपको फ्री वीडियो ऐसे ही चाहिए तो आप शेयर ज़रूर करें, जितने लोग ज़्यादा जुड़ेंगे तब चैनल चलेगा, नहीं तो मुझे रोकना पड़ेगा, तो शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।